जादुई पतंग। एक जमाने में एक अजीब छोटे गांव में दो बेहतरीन दोस्त मरियम और साकब रहते थे। वो अपनी मुहिम चोई के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन उन्होंने घास के मैदान के करीब पिकनिक मनाने का फैसला किया। मैदान में पहुंचकर उन्होंने अपना पिकनिक कंबल बिछाया तो उन्होंने देखा कि एक कोने में एक पतंग लटक रही है। उसमें पचीदा पैटर्न और चमकते हुए रंग थे जिन्होंने उनकी तवज्जो हासिल की। वो नहीं जानते थे कि इस पतंग में एक खुफिया जादुई ताकत थी। जब उन्होंने उसे ऊपर उठाया तो हवा का एक झोंका घास के मैदान में से गुजरा और पतंग को आसमान की तरफ उठा ले गया। उनकी हैरत की वजह से पतंग चमकने लगी और फिर उन्हें हवा में एक अजीब सी झिंझलाहट महसूस हुई और पतंग ने उन्हें उनके पैरों से खींच लिया और वो आसमान में उड़ने लगे। पतंग उन्हें एक नाकाबिले यकीन मुहिम जोई पर ले गई। जादुई जंगलों को से कजाक के रंगों के दरियाओं पर उड़ाती हुई और यहाँ तक के तेज बादलों के मैदान से गुजरते हुए वो रुई की गेंदी में तब्दील हो गए। मरियम और साकब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो जादू की दुनिया में थे। उन्होंने अपना सफर जारी रखा तो उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक चमकता हुआ किला देखा। पतंग वहाँ उनकी रहनुमाई करती दिखाई दे रही थी। किले में पहुँचने पर उनका इस्तकबाल एक दोस्ताना ड्रैगन ने किया जिसका नाम स्पार्क था। स्पार्क ने वजाहत की के जादुई पतंग स्काई क्वीन की तरफ से तोहफा थी और ये सिर्फ उन लोगों को जवाब देती है जो खालस दिल हैं। फिर स्काई क्वीन नमूदार हुई और मरियम और साकब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी मुहिम जोई के जरिए दुनिया को खुश किया। क्वीन ने इन्हें एक खास विश दी। बगैर किसी हिचकचाहट के उन्होंने कहा कि वो अपने गांव के तमाम बच्चों के साथ पतंग का जादू बांटना चाहते हैं। स्काई क्वीन ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी और जब वो घर वापस आ रहे थे तो जादुई पतंग ने आसमान में चमकीले रंगों की एक पगडंडी छोड़ दी। गांव के बच्चे चमकती हुई पगडंडी को देखकर बहुत खुश हो गए और जल्द ही गांव के सभी लोग मिलकर पतंगे उड़ाने लगे। आसमान को रंगों और कहकहों से भर दिया। उस दिन से मरियम और साकब ने जादुई पतंग की मुहिम जोई की और उन्होंने अपनी एडवेंचर भरी कहानी शुरू की जिसने सबको अच्छाई और दोस्ती के जादू को अपनाने की तरगीब दी और इस तरह सबने मिलकर गांव में खुशी से जिंदगी गुजारी। ये जानते हुए कि एडवेंचर और जादू इंतहाई गैर मुतवक्का जगह पर पाया जाता है।